आमिर के पेंसिल बॉक्स में क्या है एक रूलर है स्केल है आमिर वन पर्सन का नेम है तो आमिर के साथ किसका यूज़ किया गया है हैज नेक्स्ट इज वी हैव सेवन ट्रीज इन आर गार्डन हमारे गार्डन में सेवन ट्रीज हैं यहाँ पे क्या वर्ड है वी वी के साथ आपको क्या बताया था किसका यूज़ होना है, है. आई हैव आ बैग मेड ऑफ क्लोथ मेरे पास एक बैग है जो किसका बना हुआ है क्लोथ का कपड़े का बना हुआ है आई के साथ किसका यूज होना है सो नाउ मैच दीज नाउन्स विद हैज और ठीक है टू कॉलम्स आर हेर इनको क्या करना है हमने मैच करना कॉलम बी में हैज़ हैव राइट किए गए हैं और इधर नाउन्स राइट किए गए हैं तो किसके साथ किसका यूज़ होगा नाउ? आई के साथ हैव का यूज़ होगा दैट इज डन ये किया हुआ है नंबर टू माई ग्रैंड पेरेंट्स लुक हेयर ग्रैंड पेरेंट्स ठीक है ये प्लूरल नाउन हो गया ग्रैंड पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट के पीछे क्या लगा हुआ है एस लगा हुआ ठीक है ये प्लूरल है सिंगुलर नहीं है तो प्लूरल नाउन के साथ हम किसका यूज़ करेंगे हैव का यूज़ ठीक है माई ग्रैंड पेरेंट्स है अ फ्लावर ठीक है अ फ्लावर फ्लावर क्या है यहां पे सिंगुलर नाउन है अ फ्लावर एक फ्लावर के बारे में बताया गया है तो ये सिंगुलर नाउन है सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या यूज करते हैं हैज यूज करते हैं तो इसको हम किसके साथ मैच कर देंगे हैज के नेक्स्ट इज एन एलिफेंट एन एलिफेंट मीन वन एलिफेंट एक एलिफेंट ठीक है एक एलिफेंट की बात की गई है तो ये सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा हम हैज़ यूज़ करते हैं तो इसको भी क्या करेंगे हम हैज़ के साथ मैच कर दीज वैंस वैंस ठीक है वैन के साथ क्या है एस एड किया गया है तो ये क्या है प्लूरल नाउन और प्लूरल नाउन के साथ क्या यूज़ होगा यस हैव यूज होगा तो हम इसको इसके साथ ही मैच कर मैरी इज ब्रदर मैरी का ब्रदर क्या एक ही ब्रदर की बात हो रही है तो ये सिंगुलर नाउन है ब्रदर्स नहीं है यहाँ पे के ब्रदर वन ब्रदर तो इसको हम हैज के साथ मैच आई हैव माई ग्रैंड पेरेंट्स हैव अ फ्लार हैज़

ठीक है अब शोमा के साथ यहाँ पे किया हुआ है आपकी बुक में शोमा सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ क्या यूज होगा हैज यहाँ पे टिक ऑलरेडी हुआ नंबर टू जो जो नेम है हैस और हैव अ ब्लू शर्ट जो के पास एक ब्लू शर्ट है जो क्या है वन नेम है ठीक है वन पर्सन का नेम है तो ये क्या हुआ सिंगुलर नाउन हुआ सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या यूज करते हैं ज yes, यूज करते हैं सो वी विल टेक हेयर जो हैज अलू शर्ट नंबर थ्री रेड्स डैश फोर लेट्स रेड्स रेड के साथ ऐसे एड किया गया है ये प्लूरल नाउ में यहाँ पे वन रेड की बात नहीं हो रही मोर देन वन रेड की बात हो रही एक से ज्यादा रेड rat हैं रेट्स ओके okay? तो ये प्लूरल नाउन है प्लूरल नाउन के साथ हम किसका यूज़ करते हैं हैव का यूज़ करते हैं सो वी विल टेक टिकर रैट्स की कितनी लेग होती हैं फोर लेग्स होती हैं नंबर फोर आई डैश कलर पेंसिल्स मेरे पास क्या है कलर पेंसिल्स हैं तो आई के साथ किसका यूज़ बताया है आई के साथ हमेशा किसका यूज होगा हैज और हैव में से यस yes, हैव का यूज होता है आई हैव कलर पेंसिल्स नंबर फाइव गोपा डैश अ स्वीट वॉइस गोपा की वॉइस बहुत स्वीट है गोपा इज द नेम ऑफ वन पर्सन गोपा नेमिंग वर्ड है और ये वन पर्सन का नेम है तो ये सिंगुलर नाउन है सिंगुलर नाउन के साथ क्या यूज करेंगे यस हैज यूज करेंगे गोपा हैज अ स्वीट वॉइस नंबर सिक्स दे अ रेड कार उनके पास क्या है एक रेड कार दे दे के साथ किसका यूज होगा हैव दे हैव अ रेड कार सो लुक हेयर शोमा हैज कर्ली हेयर Joe has a blue shirt. Rats have four legs. I have color pencils. Gopa has a sweet voice. They have a red car. Now you have to do this book exercise in your English grammar book at page number 24.